वो भी देखना होगा, लेकिन पहला सेंटेंस अपने आप में अति महत्वपूर्ण है जहां जज साहब कह रहे हैं कि ये घटना प्री प्लैंड नहीं थी। अगर प्री प्लैंड नहीं थी तो क्या साजिश की दलील कायम रहती है या नहीं, उस पर सबकी निगाहें होंगी। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात यहां पर निकल कर आ रही है। जज एस के यादव ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। उन्होंने यह भी कहा प्रबल साक्ष्य नहीं है। जी हां, घटना आकस्मिक हुई, पूर्व नियोजित नहीं है। ये एक वाक्य अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है। आइए अब आपको हम दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। लालकृष्ण आडवाणी अपने परिवार के साथ अपने घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं अदालत से, फैसले को सुन रहे हैं। ये देखिए, और आडवाणी जी अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ और साथ ही वकील और उनके पीएस, ये तमाम लोग बैठे हैं। और आपने देखा तस्वीरों में लालकृष्ण आडवाणी जी का हाथ थामी है उनकी बेटी प्रतिभा, और लालकृष्ण आडवाणी जो कि अभी बीजेपी के वरिष्ठ नेता अभी इस फैसले को सुन रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पवन, पवन और क्या जानकारी मिल रही है और अदालत से क्या जानकारी निकल कर आ रही है? यहाँ जस एस के यादव बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, कोर्ट में क्या सबूत रखे गए। अभी जो जानकारी सबल में आ रही है वो ये है कि जो फोटो साक्ष्य के रूप में पेश किए गए थे उन्हें एविडेंस के तौर पे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि उन फोटोज के नेगेटिव नहीं थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि घटना प्री प्लैंड नहीं थी, पूर्व नियोजित नहीं थी, और जो फोटो एविडेंस के तौर पर दिए गए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया, और वजह यह रही कि उन फोटोज के नेगेटिव उपलब्ध नहीं थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस वक्त का वीडियो फुटेज भी लगभग न के बराबर है। जहां इस बात की जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें कि 6 दिसंबर 1992 को पूरे दिन भर अयोध्या में क्या क्या हुआ, इसका पूरा वीडियो फुटेज किसी भी अदालत के पास नहीं है, क्योंकि अभी तक तमाम एडिटेड फुटेज हैं और एडिटेड फुटेज साक्ष्य के तौर पर नहीं माने जाते। पवन, जानकारी और क्या? पवन, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है, जिस तरीके से जज साहब ने कहा कि ये प्री प्लैंड इवेंट नहीं था, फोटो को एविडेंस के तौर पर नहीं माना, और अब हमारे पास खबर सूत्रों के हिसाब से आ रही है कि सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है, सभी को बरी कर दिया गया है। मैं आपको बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर पवन, सभी आरोपियों को अदालत ने बरी किया है, ऐसी खबरें सूत्रों से आ रही हैं। हमारे संवाददाता पवन सबसे पहले आपके सामने ये जानकारी उपस्थित कर रहे हैं। सभी आरोपी जिनके ऊपर सीबीआई की विशेष अदालत में यह मामला चल रहा था कि क्या यह आपराधिक साजिश थी, 6 दिसंबर को 1992 के विवादित ढांचे को गिराया गया था या नहीं, क्या यह आपराधिक साजिश थी, इस पर हर आरोपी को बरी किया गया है। यह सूत्रों के हवाले से खबर इंडिया टीवी पर सबसे पहले आप देख रहे हैं। पवन, और क्या जानकारी है?